मन ना हंडाई देही रोग ना लगई पल्ले सब किछ पाए धन वाहिगुरु साहिब जीओ जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद खेप संतां संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए इह वपार विरला वपार नानक ता कै सत बलहार इह वपार विरला वपार नानक ता कै सत बलहार चबर छत्र तख्त दे मालक वालिए कोले आलम सरवरे कायनात दे सांझे रहबर तन तन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान सतसंगी प्यार वाले वडभागे हो अमृत वेले तो गुरु चरणा में हाजरियां पर रहे हो सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की है पावन बाणी की विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आहो गुरमुखो तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी चों गुरु अर्जुन देव साहब की पावन बाणी श्री सुखमणी साहब की विचार जो लड़ी बार करते आ रहे हाँ अगली विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाईए देहो आशीष प्यार नाल आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब की पावन बाणी की इस पंक्ति नू शब्द नू समझण तो पहला छोटी जी उदाहरण समझ लीए। एक छोटे जे बच्चे नू एक माँ ने दुकान ते घल्या ते दस्या पुत्र आ सौदा लैके आई ओह ना घरों तुरदा है ते बार बार बोली जांदा चेता भुल कि जदों दुकान लागे जांदा है ते उहनूं चेता भुल जांदा है ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੱਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ समान वापस मां को पहुंचता है तो वह बच्चा ये गल कहिंदा मां जिवें तू पहली वारी लिख देंदी तो मैनू दो तीन गेड़े ना मारने पैंदे। सिर्फ लिखण वाले ने इन्नी कु ही कहानी इन्नी कु गल लिखी पर तत् बड़ा कमाल दा कढ़िया उहने उहने आख्या सच करके साडी जिंदगी दा सफर इदां ही तय हो रहा है। जिस वखर नू जिस सौदे नू लैण वास्ते असी संसार ते आए हैं ना असी भी गुरु अगे जाके वो चीज़ मंगनी भुल जाने असी कुछ होर ही लै जाने ते जिन्ना चिर तक असी असल वस्तु नहीं ना लैके जाते साडा आना जाना बनिया रहना। जिन्ना चिर मालक ने सानू इस परमात्मा ने मनुखी जन्म नू सफल करन वाला जिन्ना चिर साडा मकसद नहीं पूरा हुंदा ना साडा जन्म मरण दा गेड़ा आना जाना बनिया रहना। ते सतगुरु कहिंदे भी गुरु जो सानू सतगुरु दी पावन बाणी लिखती दे गया ना जे किते उस वल ध्यान दे लईए ना फिर दोबारा गेड़ा नहीं वजेगा।
सतगुर की बाणी सानू वो चीज सिखा दिंदी है, कहिंदी है भी जाको आए सोई बिहजो, जिन्हू लैन आया उही लैके जा, जा को आए सोई बिहजो, हर गुर ते मनहे बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहोर न होएगो फेरा। जे ओ वस्तु ओ खजाना ओ सौदा सच्चा रब दे नाम वाला कोल होएगा ते दोबारा बार बार जन्म मरण दा गेड़ा फेरा नहीं पएगा। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे इसे तरह ही है बंदे, जो तू इत्थे लैण आया संसार दे उत्ते ना उही लैके चल। की लैण आया आ प्राणी, तू आया लाहा लैण, लगा कित कु फकड़े सब मुकदी चली रैन, कुदम करे पस पंखियां दिसै नाहीं काल, उथै साथ मनुख है फाथा माया जाल। बादशाह कहिंदे रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, जिस वखर को लैन तू आया। वखर दा अर्थ है सौदा, जिहड़ा सौदा तू इस संसार तो संसार उत्ते आ के ते लैन आया ना, उही सौदा लैके जल। वह सौदा मिलू कित्थों, वह सौदा है किहड़ा? हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नत जपे हो जीहो, लाहा खटे हो दिहाड़ी। ए धन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा। ते पातशाह कहिंदे ने जिस वखर को लैण तू आया, जिहड़ा सौदा लैण आया उही लैके जाई। रब दे नाम वाला सौदा, नाम धन, क्योंकि दुनिया दे दो ही तरह के मनुख सौदा लेंदे ने, काचा धन संचै मूर्ख गवार। जिहड़ा कच्चा धन है मूर्ख ने कट्ठा कीता है, काचा तन संचै मूर्ख गवार, मनमुख चेतै मनमुख झूलै अंध गवार। फिर मालिक जिक्र कर रहे कहिंदे ने वेख, जिन्हें सच्चा सौदा खरीदया होया उस बंदे ने सच दे नाम वाला रब दे नाम वाला सौदा कट्ठा कीता है। काचा धन साचा धन गुरमती पाए, काचा धन फुन आवै जाए। सच्चा धन रब दे नाम वाला गुरु को मिलता है। बाबे कबीर साहब होना जिक्र किया, किन्ही बन जया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जया नाम गोबिंद का, ऐसी ना ऐसी खेप हमारी। खेप का अर्थ हुंदा है जेड़ा सौदा नाल असी वर्तना होवे। पातशाह कहिंदे ने इस करके हे बंदे, तू वह वस्त लैण आया जिहड़ी रब दे नाम वाली है, चंगे गुण चंगा विचार प्यार खलाक सब कत्र करन आया। सत संतोख दया धीरज धर्म पंज दैवी गुण कट्ठे करने आ, पंच मनाए पंच रसाए, पंज मनाउणे ने ते पंज रसाउणे ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पासे करने आ ते सत संतोख दया धीरज धर्म हासिल करने आ। पातशाह कहिंदे इस करके असल ये रब दे नाम वाला सौदा है। वणज करो वणजारे हो, वखर लिहो संवाल, तैसी वस्त वसाही है जैसी निभै नाल। उही सौदा कहिंदे लैणा चाहिदा जिहड़ा साडे नाल निभ जाए। मन लो बंदे कोल बंदे ने फौरन जाना होवे ना, पेपर सारे डॉक्यूमेंट क्लीयर हो ना, उहदा समान भावें कुछ लैके भी नाल जाना होवे ना, वो जे क्लीयर डॉक्यूमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। पर जदों कोई माड़ी मोटी भी ऊणताई हुई है, सौदे विच भी खराबी है, तो कागजां च भी खराबी है, तो फिर तो अगलिया घेरना है। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च भी बचन आया जे भी साडा सौदा चैक हो गया गांह जाना जी, रब दे घर असी तां प्रवान होना, साडा सौदा वेख्या जाना भी इन्हां को सौदा केड़ा है। बाणी शब्द आउंदा जे
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾ ਰਿਹੋ ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸਮਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਜਾਣ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਘੱਲ ਦੇਗਾ ਖੋਟਾ ਅਤੇ ਪਛਾਂ ਘੱਲ ਦੇਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਸੁਜਾਣ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਮਧਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੱਗੋ ਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਛਕੇ ਨਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਚੋਗੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸੌਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਿਆ ਜਲ ਵੀ ਛਕਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਾਈ ਤਾਬੂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਘੋੜੇ ਚੜਿਆ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਆ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਨਗਰ 'ਚ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਦਬਦਬਾ ਕਬੂਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤਗੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਗੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕਿਉਂ
इन्ना विचारियां ने सफर किया, बड़ा दूरों तुर के आए ने, नाले इन्नी मेहनत कर कट्ठे हुए ने, समान बड़ा वधिया लियाए, चुन चुन के साफ कर करके हर चीज़ लियाए, सौदा बड़ा समान वधिया। महाराज कहिंदे जदों कहता भी इन्हां दी एक भी चीज़ प्रवान नहीं करनी, फिर लैनी नहीं, गल सिद्धी है। कहिंदे महाराज इहदा कारण हो सकदा होगा जरूर। कहिंदे हाँ, ये लोग सारे नगर वासी धीआं वेचदे आ, धीआं वेच के व्यापार करदे आ, उन्हां दा पैसे दे नाल अपना गुजारा करदे आ, उस पैसे नाल अपने घर पार अपने घर बार बनाउंदे आ, ये व्यौंदे नहीं आ, ये व्यापार करदे आ, ये बोली लाउंदे आ लड़कियां दी, ते इन्हां बंदियां दा कदे भी खाना दाना प्रवान नहीं होना। गुरु तेग बहादुर साहिब ने उन्हां दा आबो दाना खत्म करता, भाव कि ये गल कहती भी नहीं तुहाडा प्रवान होए। अगर तुसी ये चीज़ बंद करोगे तां तुसी आपणियां बच्चियां दे व्याह करो, पर सौदेबाजी तो बिना करो, चंगा रखा चंगे रिश्ते वे के करो, ते दाज वाला ते पैसे वाला आ कर्म बंद करो। फिर गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज उन्हां दी भेटा प्रवान करदे आ। कहन तो भाव है कि सतगुरु महाराज कहिंदे ने जिहड़ा सौदा संसार ते नहीं ना चलिया वह निरंकार कोल भी नहीं चलना। तो सतगुरु महाराज कहिंदे ने जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया, वह सौदा रब दे प्यारियां दे घर मिलता है, गुरु दे घरों सौदा मिलता है। तज अभिमान लिहो मन मोल, हे प्राणी जो सौदा लैना है ना, कहिंदा इहदे इहदा बड़ा सौखा तरीका, कोई पैसे नहीं खर्चने पैने, मन देना है सौदा लै लेना। एक बचन बड़ा प्यारा हुंदा है, पाशा कह रहे ने मन दे राम लिया है मोल, मन दे के रब नू मोल लिया होया। इहदा मतलब कि मन दित्ते आ रब मिल जांदा। मन दित्तण दा मतलब की हुंदा, मन देण दा मतलब की है, एक छोटी उदाहरण देंगे। एक वार एक भरी सभा दे विच एक राजे ने ऐलान करता, कोई ऐसा बंदा होवे जिहड़ा एक पल विच मैनू इन्ना को समा भी मैं घोड़े दी रकाब विच पैर रखा ते मैनू ज्ञान करा दे। कोई ऐसा है भरी सभा विच, कोई उथे अष्टावक्र बैठा सी। अष्टावक्र उहनू कहिंदे सी जिहदे शरीर दे अठ वल पैंदे तुरन लग्गिआं। उन्हें आख्या जी मैं इस गल का जवाब देंगा, मैं तुहाडे घोड़े दे रकाब विच पैर रखण दिया रखद तुहानू ज्ञान कर दांगा। सारी सभा विच बड़ा मजाक होया उस दी, कहिंदे तू कित्थों चमार लिया, चमार मतलब कहिंदे तू उहदे चम नू देखिआ भी टुट एक किदां दा सीधा को तुर नहीं हुंदा, वल शरीर च किन्ने पैंदे ने, उहदा मजाक उह सभा च उड़ाया गया। पर उस बंदे ने बादशाह दी गल पूरी खरी कर दिती। जिस वेले भरी सभा च बादशाह घोड़े ते रकाब च पैर रखन लगा, पर उन्हें गल कह लती है, कह लगा तू एक काम करना है, जे तू ज्ञान चाहना है तेनू मेरी हर गल मननी पवेगी, इस तू रकाब च पैर रखन तो पहला तेनू अपना मन मैनू देना पेगा। उन्हें कहा ठीक है, चलो मैं तुहानू अपना मन दिता। कहिंदे चल ठीक है। हुण उह इन्नी गल राजा कह के ते घोड़े दी रकाब विच पैर रखण लगदा, ते अष्टावक्र कहिंदा है भी तूं कौन हुन्ना पैर रखण वाला। कहिंदा मैं ते तू अपनी गल दा जवाब दे, तेरा ये गल कहण दा मतलब नहीं बनदा। उह कहिंदा भी वेख तू मैनू मन दित्ता है ना अपना। कहिंदा हाँ। कहिंदा फिर जे तू अपना मन मैनू देता फिर तेरा मन मर्जी करन दा मतलब ही नहीं बनदा। जो तेरा मन मेरे को मैं कहूँगा रख पैर तो तू तां रखेगा, जे तू अपना मन मैनू ना दिता फिर तू अपनी मन की मर्जी कर लेंदा। उन्हू इन्नी गल समझा दिती है इन्ने विच ही कि जो अपना मन अपने मालक नू दे दईए फिर उत्थे अपनी मन मर्जी नहीं करीदी ते ना चलदी है। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे ताज अभिमान हंकार छड के कहिंदे लिहो मन मोल, सौदा लैणा ते मन ना मोल करना पैणा है। मन दे राम लिया है कंचन छो पाई है नहीं तोल, सोने दे सोना भी दे तां भी नहीं मिलना, कंचन छो पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। जिहड़ा रब सोना दान कीते भी नहीं मिलना, कहिंदे मन दित्तिआं मिल जाणा।
हजूर कहते ने राम नाम हिरदे मैं तोल, फिर वाहेगुरू परमात्मा दे गुरु दे हवाले कर दे नाल इस तेनू जिहड़ा रब दे नाम वाला सौदा भी मिलेगा। तो ये अंदर एक परमेश्वर दे नाम वाला जिहड़ा सौदा आ उहदा तेनू मूल ते तोल करना आ जाएगा। लाद खेप संतां संग चाल, ये सौदा इकट्ठा करके संगत विचों नाम दा धन दा ते फिर घर नू चल। कहिंदे लाद खेप, खेप मैंने सौदा, संत है संग चाल, रब दे नाम वाला सौदा इकट्ठा करके सत संगत दे नाल रल के चल। कहिंदे ने अवर त्याग बिखिया जंजाल, बाकी दुनिया दे जंजाल माया दे पसार, माया दा भरम जाल विचों निकल। कहिंदे धन धन कहे सब कोई, जदों सच्चा सौदा कोल होएगा भरम जाल तों दूर होएगा फिर धन धन कहे सब कोई। हर कोई धन आखेगा, हर कोई चंगा आखेगा तेनू, मुख उजल हर दरगाह सोए। इथों तक रब दी दरगाह विच भी मुख उजला है, उथे भी सतगुरु परमात्मा के दर उत्ते सुरखरू होना पएगा, सुरखरू जावांगे बख्शिशां प्राप्त होणगियां। कहिंदे इह वपार विरला वाह पारे, पर यह वपार कोई विरला ही वपारदा है। रब दे नाम दे धन दा सौदा ते कोई विरला इकट्ठा करदा है। दुनिया दे लोकां दी दौड़ है, बस माया कट्ठी होवे, भावें बेईमानी दी होवे, भावें अपने हक सच दी होवे, बस होनी कट्ठी चाहीदी है। ते पातशाह कहिंदे पर जिहड़ा रब दे नाम वाला सौदा है ना, एक गल चेते रखियो, अपनी किरत गुजारी करदियां होइयां जे रब चेते है ना, ते एक वार किसी दा हक खाण लगियां जे मन कवे भी ना कर, समझ लो जमीर जागदी आ। समझ लैना भी साडा किते ना किते रब नाल लिंक जुड़िया साडे दिल दा, साडा दिल सानू कह रहे नहीं करनी आपां बेईमानी, नहीं करना इस बंदे दा किसी दा हक आपां नहीं खाणा। ते जदों मतलब किसी दा हक खाण लग्गिया बेईमानी दा कम करन लग्गिया, कोई मन विच ख्याल ही ना आवे, दिल कदे आवाज ही ना दवे भी तू कर चाहे ना कर, समझ लो भी जमीर मरिया बंदे दा। वो बंदा सिर्फ सिर्फ स्वार्थी है, लालची है, हक खोना चाहता है। महाराज कहिंदे जिन्हां दा हिर अंदरों कितें ना कितें लिंक जुड़िया है ना, वो इहो जिहा कर्म नहीं करदे, पर उन्हां को रब दे नाम वाला वो खजाना है, वो धन है। जिहदे जिक्र करदे आं कि जे किते साडे हथ कंबदे ने किसी का हक खोण लग्गिया, किसी गरीब नाल धक्का करन लग्गिया, हथ कंबदे ने भी इहदा धन नहीं खाणा, समझ लैना भी साडे अंदर नाम वाला धन हैगा आ। ते जे नहीं ते फिर है नहीं है। ते जे कोई परवाह नहीं, भावें भरा दे बच्चे ने, भावें भरा आ, भावें भैण आ, भावें भैण दे बच्चे ने, भावें कोई रिश्तेदार है, कई इदां दे भी छड्डदे नहीं रिश्तेदारां नूं, नहीं छड्डदे उन्हां दा भी पैसे खा खो के खा जांदे ने, कई उन्हां नाल भी ठगियां कर जांदे ने। वेखो कमाल दी बात, कोई समां सीगा लोग पैसे नालों ज़्यादा रिश्ते नूं अहमियत देंदे सी, अज कहिंदे वी रिश्ता टुटे चाहे टुट रह जाए, लोग बोलन चाहे ना बोलन, कोई साढ़े ना किसी तरीके ना रिश्ता रखे चाहे ना रखे, पर पैसा चाहिए। सोच इदां दी हो गई। पाछे कहिंदे ने पर जिन्हां दे कोल रब दे नाम वाला सौदा है ना, वो कहिंदे ये सौदा यह वपार विरला वपार है, नानक ताके सद बलहार। नानक जी कहिंदे उन्हां तों मैं सदके बलहार जावां, चरण साधके धोए धोए पीओ, गुरु दे चरण धो के पीना की है। पातशाह नूं पुछो एक शब्द सांझा करदे आं, अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै। कहिंदे गुरु अर्जन देव साहिब दे चरणा च हर वेले गंगा रह रही है, वो गंगा दा मान लो जल उत्थे बेअंत गुरसिख नहा रहे ने, वह जल छक रहे ने, वह किहड़ा जल है भी गंगा जल गुर गोबिंद नाम। ये बाणी दा वचन है भी जिहड़ा गंगा जल वह है ना, वह है परमेश्वर दा नाम। जिस जल ने दे कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो, परमेश्वर दा नाम जल। ये गुरु दे शब्द रूपी चरणा दे विचों मिलदा है, ते गुरु दे शब्द रूपी चरणा दा सहारा लैके मैं नाम जल, गुरु दे नाम जल जिहड़ा आ अमृत जल जिहड़ा आ वह मैं छकदा हाँ। इदां शब्द नूं धोणा, शब्द नूं जीवन च वसा लैणा,
ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਨ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਧੂੜ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੰਡਣਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁੱਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗਾਈਏ। ਅਨਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ, ਗੁਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।